हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल काशिफ द फिट सेलर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं समुंदर के बीच में हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे। जी हां, तुर्की से इंडिया आ रहे एक जहाज, इसका नाम है गैलेक्सी लीडर, वो एक प्योर कार कैरियर है। उस पर यमन के हुती रिविलियंस ने अटैक किया और उस शिप को हाईजेक कर लिया। तो अगर आप इस शिप के इंसिडेंट को जानना चाहते हैं, किस तरह से यह शिप हाईजेक हुआ, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कोई तफसील से आप लोगों को हर एक इंसिडेंट बताऊं। एंड जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। तो बिना वक्त को जाया किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर एक फुटेज दिख रहा होगा। इस फुटेज को यमन के हुती रिविलियंस ने रिलीज किया है। इस पर देखा जा सकता है किस तरह से वो लोग इस शिप को हाईजैक कर रहे हैं। ये लोग एक हेलीकॉप्टर के हेल्प के थ्रू शिप के वेदर डेक पर उतरते हैं, फिर वहां से उत्तरी रिविलियंस ब्रिज की ओर गए, ब्रिज जहां से शिप को नेविगेट किया जाता है। ब्रिज पर ऑफिसर्स को आर्म दिखाया और शिप को अपने कंट्रोल में किया। उतीस का कहना है उन्होंने ये शिप हाईजैक करा क्योंकि इस शिप का कनेक्शन इसराइल से है। पर यह बता दूं, इसराइल के डिफेंस फोर्स ने ट्वीट करके ये बताया है जो शिप हाईजैक हुआ है उसे इसराइल का कोई कनेक्शन नहीं है। यह इंसिडेंट 19 नवंबर की है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जहां हुती रिविलियंस ने रेड सी में इस शिप को हाईजैक किया। टोटल इसमें 25 क्रू मेंबर थे, जो कि फिलीपींस, बुल्गेरियन, यूक्रेनियन, मैक्सिको और रोमानियन थे। इस शिप पर कोई भी इंडियन या इसराइल सिटीजन नहीं था। एंड आप लोगों को ये बता दूँ, दिस शिप इज अंडर ब्रिटिश फार्म, पार्शली ओन्ड बाय इसराइल टाइकून, और इस शिप को जापानीज कंपनी एनवाईके लाइन ने लीज पर लिया है, जो कि बहामास फ्लैग के अंडर रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ टर्की है। ये शिप गैलेक्सी लीडर जो ब्रिटिश ओन्ड कंपनी है और इसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। ये शिप एक कार कैरियर है और आप सभी को पता है अप्रोक्स 95% रेट शिप के थ्रू किया जाता है, क्योंकि यह सबसे चीपेस्ट मीन्स है। ये शिप गैलेक्सी लीडर टर्की से रवाना होकर इंडिया में गुजरात आ रही थी और इस शिप को रेड सी से होकर गुजरना था। गैलेक्सी लीडर इजिप्ट के स्विस कनाल पार करके रेड सी पहुंची। रेड सी के पास यमन है, जो कि आपको मैप में दिख रहा होगा। यहीं पर हुती रेबेलियन है और वो भी चाहते हैं कि यमन पर उनका कंट्रोल हो। वो गवर्नमेंट को हटाकर अपना कंट्रोल यमन पे लाना चाहते हैं। तो हुआ यूं कि जैसे ही ये शिप गैलेक्सी लीडर रेड सी के पार पहुंचा, हुती रेबेलियंस ने जो कि यमन में मौजूद थे, इन लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर भेजकर इस शिप को हाईजैक किया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। इसी तरह से मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड सो दैट हम साथ कर सके सफर समंदर का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। टिल देन स्टे फिट स्टे सेफ। जय हिंद।